गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज चैप्टर नंबर 7, इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया एंड नीति आयोग। इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब है वो प्रोसेस जहां पर एक सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी होती है, जो रिसोर्सेज हैं कंट्री के उनको ध्यान में रखते हुए एक कोशिश करती है इकोनॉमिक फैक्टर्स को रेगुलेट करने की, कुछ जो प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव है उनको अचीव करने के लिए एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम में। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस जो इंडिया है उसने लॉन्च किए 5-year प्लान्स ताकि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सके कंट्री के अवेलेबल रिसोर्सेज का, और जो ऑब्जेक्टिव है रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट का वो अचीव हो सके। सिंस द ईयर 1951 कॉन्टिन्यूस प्रोसेस जो इकोनॉमिक प्लानिंग का है वो चलता आ रहा था, और सो फार 12 5-year plans है जो वो आप कंप्लीट कर चुकी है हमारी जो कंट्री है। 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक था जो वो 12th 5-year plan था। जो प्लानिंग कमीशन थी वो सेटअप हुई थी 1950 में। वो फॉर्मुलेट करती थी प्लान्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कंट्री के ऑन द बेसिस ऑफ जो भी अवेलेबल फिजिकल कैपिटल या ह्यूमन रिसोर्सेज है। लेकिन अब जो प्लानिंग कमीशन है उसे खत्म कर दिया गया है और उसकी जगह नीति आयोग जो है उसे सेटअप किया गया है। प्लानिंग कमीशन को ही रीनेम कर दिया गया है नीति आयोग से, और उसके जो भी उसके स्ट्रक्चर था या जो भी उसके फंक्शन थे वो टोटली अलग हैं, उन्हें अलग कर दिया गया है। हालांकि वो चलेगा उसी ऑब्जेक्टिव के साथ कि कंट्री को इकोनॉमिकली डेवलप बनाना है। तो जो प्राइम मिनिस्टर होता है इंडिया का वो चेयरमैन होता था प्लानिंग कमीशन का, और अब वो चेयरमैन होगा नीति आयोग का। सो फार इंडिया ने जो प्लानिंग कमीशन रही है और जो 5-year प्लान्स रहे हैं उनका यहाँ पर डाटा दिया गया है आपको, प्लान दिया गया है कौन सा था, ड्यूरेशन कौन सी रही है, टोटल आउटले कितना रहा है पब्लिक सेक्टर में, और ग्रोथ रेट क्या रहा है जीडीपी में। तो टोटल यहाँ पे आप देखिए 12th 5-year प्लान 2012 से 17 तक, और अगर आप स्टार्टिंग में देखें 1st year प्लान में जो ग्रोथ रेट था जीडीपी का वो था 3.7%, और जो 12th 5-year प्लान है उसमें था 6.9%। और ये जो डिफरेंट जो आप ग्रोथ रेट्स देख रहे हैं ये वेरी किया है, और यहाँ तक जो इंडिया पहुँचा है वो डिफरेंट ऑब्स्टिकल्स को पार करके पहुँचा है। किसी ईयर में कोई क्राइसिस आ रहा है जैसे 2008 में आया था या 1991 में आया था, उन सबको फेस करते हुए जो कंट्री है उसने ये 12 5-year प्लान्स कंप्लीट किए हैं। इसीलिए ये अप एंड डाउन्स आप देखेंगे ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी में। जो फीचर्स रहे हैं इकोनॉमिक प्लानिंग के, डेमोक्रेटिक, डिफरेंट सेक्टर्स इसमें इंक्लूड होते थे, एग्जिस्टेंस सेंट्रल प्लान और स्टेट प्लान दोनों बनाए जाते थे, फाइनेंशियल प्लानिंग होती थी, और जो प्रायोरिटीज हैं इंडियन 5-year प्लान्स वो था कि डेवलपमेंट हो इंडस्ट्री, पावर, एग्रीकल्चर सभी सेक्टर्स की, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों के लिए बनाए जाते थे, सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी होती है, ऑब्जेक्टिव सेट होते हैं ऑलरेडी, गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट पे फोकस रहता है, इसका डेफिनेट टाइम पीरियड होता है, और हर एक प्लान का एक स्लोगन होता है जैसे सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स, ग्रोथ विद स्टेबिलिटी, इस तरीके से। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं इकोनॉमिक और डेवलपमेंटल प्लानिंग के, इंक्रीज करना नेशनल इनकम को, पर कैपिटा इनकम को, इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम को कम करना, रीजनल इनइक्वालिटीज को कम करना, प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे फोकस करना, एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करना, फुल यूटिलाइजेशन करना अवेलेबल रिसोर्सेज का, सेल्फ सफिशिएंसी को जनरेट करना, रिकंस्ट्रक्ट करना इकोनॉमी को, सोशल सिक्योरिटी को बढ़ावा देना, कैपिटल फॉर्मेशन को इंक्रीज करना, डेवलपमेंट करना इंफ्रास्ट्रक्चर की, मॉडर्नाइजेशन करना वेरियस इकोनॉमिक सेक्टर्स में, पॉवर्टी को कम करना, ये ऑब्जेक्टिव्स रहे हैं 5-year प्लान्स के। हम ये जो इकोनॉमिक प्लानिंग यहाँ पे इस चैप्टर में कर रहे हैं हम उसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे क्योंकि दैट इज़ नॉट करंटली प्रिवेलिंग। हमारे जो करंटली प्रिवेल कर रहा है वो कर रहा है नीति आयोग। तो जो नीति आयोग है हम उसके बारे में पढ़ेंगे बजाय प्लानिंग कमीशन के बारे में। लेकिन यहाँ पे एक ब्रीफ देख रहे हैं हम कि इकोनॉमिक प्लानिंग जब हम करते हैं तो उसका क्या जो है क्रक्स होता है। तो इकोनॉमिक
जो प्रोग्रेस आपने की है अंडर प्लान्स और अचीवमेंट्स क्या रही हैं इकोनॉमिक प्लानिंग की, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और हुआ है और इंक्रीज हुआ है नेशनल इनकम में, पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हुई है, रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इंक्रीज हुआ है, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हुए हैं एग्रीकल्चर में, ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, डेवलपमेंट हुई इंडस्ट्रीज में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, सोशल सर्विसेज में, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज बढ़ी हैं, मॉडर्नाइजेशन हुई है, एक्सपोर्ट प्रमोशन हुआ है, डाइवर्सिफिकेशन और इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन के ऊपर जोर रहा है, डेवलपमेंट हुआ है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, स्ट्रक्चरल एंड इंस्टीट्यूशनल चेंजेस हुए हैं, साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस कम हुई हैं, प्रोडक्शन होती है अकॉर्डिंग टू नीड्स, बैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव हुई है और राइट यूज हुआ है, कंजर्वेशन हुआ है नेचुरल रिसोर्सेज का। फेलियर्स क्या रहे हैं इकोनॉमिक प्लानिंग के, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कोई सब्सटेंशियल इंक्रीज नहीं हुआ, प्राइसेस राइज हुए हैं, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुई है, एग्रीकल्चरल सेक्टर में लेस ग्रोथ हुई है, इनइक्वालिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ हुई है, इनएफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन एक लूप होल रहा है, देन शॉर्टफॉल इन टारगेट रियलाइजेशन, स्लो कैपिटल फॉर्मेशन, अनबैलेंस्ड ग्रोथ ऑफ डिफरेंट रीजन्स, पुअर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इम्बैलेंस्ड इंडस्ट्रियल ग्रोथ, ये फेलियर्स रहे हैं इकोनॉमिक प्लानिंग के। देन कॉजेज क्या है स्लो ग्रोथ रेट के ड्यूरिंग इकोनॉमिक प्लानिंग, इकोनॉमिक कॉजेज हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज हैं, पॉलिटिकल कॉजेज, नेचुरल कॉजेज, सोशल कॉजेज हैं, इंटरनेशनल कॉजेज हैं, मॉरल कॉजेज हैं। देन सजेशंस क्या है सक्सेस के लिए प्लान्स के, इंडिया में स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, फिजिकल प्लानिंग होनी चाहिए, लोकल नीड्स के ऊपर एम्फेसिस होना चाहिए, गेस्टेशन पीरियड कम हो, बैलेंस ग्रोथ हो कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज की, रैपिड डेवलपमेंट हो एग्रीकल्चर की, बैलेंस हो बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स, प्राइस स्टेबिलिटी को अचीव करना चाहिए, डेवलपमेंट हो रूरल इंडस्ट्रीज की, कॉपरेशन हो स्टेट्स और सेंटर के बीच में, प्रॉपर डेवलपमेंट हो पब्लिक सेक्टर की, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन हो, डेवलपमेंट हो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो। स्ट्रैटेजी क्या है इकोनॉमिक प्लानिंग की, स्ट्रैटेजी का मतलब है डिटेल्ड एक्शंस और पॉलिसी जो अडॉप्ट करनी चाहिए ताकि आप डेफिनेट ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सको। तो जो मेन एलिमेंट्स होते हैं स्ट्रैटेजी के ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग होता है वाइड स्कोप होता है, मिक्स्ड इकोनॉमी है, ज़्यादा इंपॉर्टेंस पब्लिक सेक्टर को दी जाती है, ग्रोथ ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट हुआ है, एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड होना चाहिए, बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट होनी चाहिए, सेल्फ रिलायंस के ऊपर फोकस होना चाहिए, प्रोग्रेस होनी चाहिए बैकवर्ड क्लासेस की, एजुकेशन को आपने प्रमोट करना है, सोशल वेलफेयर को प्रमोट करना है। रैशनली क्या रहा है स्ट्रैटेजी ऑफ प्लान्स का, दो मेन बेसिस रहे हैं कि ज़्यादा एम्फेसिस इंडस्ट्री को दिया गया इन कंपैरिजन टू एग्रीकल्चर, और दूसरा ज़्यादा एम्फेसिस बेसिक और हैवी इंडस्ट्रीज को दिया गया इन कंपैरिजन टू अदर इंडस्ट्रीज। देन मोर एम्फेसिस जो इंडस्ट्री को दिया उसका रीज़न क्या था, क्योंकि उससे नेशनल इनकम इंक्रीज होती है, टेक्निकल डेवलपमेंट होगी एग्रीकल्चरल सेक्टर की, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा, प्रॉपर यूज़ होगा डिफरेंट रिसोर्सेज का, बैलेंस डेवलपमेंट होगी। देन प्रोसेस क्या है इकोनॉमिक प्लानिंग का, पहले आप सेट करते हो ऑब्जेक्टिव्स और प्रायोरिटीज, फिर ड्राफ्ट होता है अप्रोच पेपर, देन अप्रूवल मिलती है अप्रोच पेपर को, उसके बाद ड्राफ्ट होता है डिटेल्ड प्लान डॉक्यूमेंट, देन अप्रूवल मिलती है प्लान डॉक्यूमेंट को, देन आप प्लान को इम्प्लीमेंट करते हो और उसके बाद इवेलुएट करते हो प्लान को। देन प्री रिक्विजिट्स क्या होने चाहिए सक्सेसफुल प्लानिंग के लिए, आपके पास रिलायबल स्टैटिस्टिकल डाटा होना चाहिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, एफिशिएंट और ऑनेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन होनी चाहिए, पब्लिक कोऑपरेशन होना चाहिए, सुटेबल इकोनॉमिक सिस्टम होना चाहिए, फिक्सेशन होनी चाहिए टारगेट्स की और प्रायोरिटीज की, प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए और वेस्टफुल कंजम्पशन पर चेक होना चाहिए। प्लेस क्या रही है इकोनॉमिक प्लानिंग की विद रेफरेंस टू लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, तो मिक्स्ड इकोनॉमिक पैटर्न क्योंकि आप फॉलो कर रहे हैं और प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों ही मेन कैरेक्टरिस्टिक हैं इंडियन इकोनॉमी की। प्रियोरियर टू 1991 जो पब्लिक सेक्टर है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी, लेकिन जब आपने 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को अडॉप्ट किया तो प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा ग्रेटर रोल दिया गया। तो जो 1991 के रिफॉर्म्स थे उसमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन आया। तो नीड है प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की प्रेजेंट जो स्ट्रक्चर है उसमें, इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है। देन आपका प्रेजेंट रेलेवेंस क्यों है इकोनॉमिक प्लानिंग की, तो इंडिकेटिव प्लानिंग
के लिए ज़रूरी है। देन कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी का रोल प्ले करती है, वो इंश्योर करती है ग्रोथ विद जस्टिस और रिसोर्स एलोकेटर की तरह काम करती है। अब इस चैप्टर का मेन जो टॉपिक है वो आता है, दैट इज नीति आयोग। इसे हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।